अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नील रेहान। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर लास्ट वीक से गेस्ट आए हुए हैं, मेरे मेके वाले और एक के सोरे ससुराल वाले। मेरी अम्मी आई हुई हैं, भाई आया हुआ है, सिस्टर आई हुई थी और भांजा। सिस्टर और भांजा तो चले गए, अम्मी भाई अभी इधर ही हैं। तो इतने बिजी डेज थे, मतलब लास्ट वीक इतना बिजी गया, पता नहीं चलता था कब दिन तो कब रात। और ना मैं टिकटॉक को प्रॉपर टाइम दे सकी, ना मैं यूट्यूब को। लास्ट व्लॉग जो था वो भी आधी रात को अब्दुल्ला को सुला के हम लोगों ने, दोनों बहनों ने बनाया था। और अब संडे वाला जो व्लॉग था उसके लिए मैं रेहान को कह के था कि रेहान थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लें, थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लें, लेकिन इन्होंने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। और क्या है कि अब सैटरडे नाइट आ गई है, रात के तकरीबन 3-3.30 बजे का टाइम है और सुबह पोस्ट करने के लिए कोई व्लॉग नहीं है। और मैडम दा बूथा बने आ, हाँ तो ना बने, हाँ तो ना बने, ना मतलब ना बने। अब आप लोग खुद इंसाफ करें। क्या इंसाफ, मैं टिकटॉक बनाती हूँ, ये काम में बिजी होते हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कंटेंट ढूंढ रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, सॉन्ग सेलेक्ट कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, सब कुछ मेरा। फेम किसको मिल रही है? इस बंदे को। मुझे कोई बंदा जानता ही नहीं है, इन्हीं को जानते हैं, ठीक है। हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, हाउ सब कुछ, ये सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हारा। सॉरी, सारी एफर्ट तुम्हारी, तुम बनाती हो, तुम करती हो, वीडियोस में बोलती तुम हो, हाँ तो व्लॉग में भी अब तुम ही सब कुछ करोगी। अच्छा, अब व्लॉगिंग के लिए अल्लाह हाफिज़। अब देखें आपकी मैडम आगे आपको आगे ना। अब व्लॉगिंग में यह है कि मेरी जो अकेले की व्लॉगिंग है वो आप लोग कहते हैं कि जरा बोरिंग होती है, इनकी बातें आप लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इनको कहती हूं कि आप पार्टिसिपेट करें। मेरा तो काम ही नहीं है। क्यों नहीं काम है? खुद ही बताएं, इनका कोई काम नहीं है, सारे काम मैं करती हूं। अब करो व्लॉग भी खुद ही। अभी अभी हम लोगों की 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं। एक लड़ाई हुई है कि जी संडे के लिए कोई भी लोग तैयार नहीं है। एक लड़ाई बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे पकड़ाओ ना। सबसे पहले लड़ाई हमारी जो है ना, वो इसकी एक क्लास है तो वो इसने अटेंड करनी है, तो इसमें ये इसमें भी इसने कपल कॉल करना है मेरे साथ। अब मुझे बताएं मैं इसके साथ क्या करूँगी, इसके साथ मेरी क्या मैचिंग है, इसके साथ क्या मैचिंग करूँ, बाजार जाऊँ इसके साथ दोबारा आप 3 बजे। ये खाड़ी से लिया था, ये शर्ट है, छोटी सी शॉर्ट शर्ट है और ये इसके साथ ट्राउजर है, ये खाड़ी से लिया। अब ये मुझे पहन ही नहीं देते, ये शॉर्ट बहुत है, ये बहुत है। भाई लेके क्यों दी थी? फिर उसी टाइम कह देते कि नहीं लेना, ये शॉर्ट है। उसी टाइम क्या, लड़कियों की था सीधा होगा नहीं तो उसी टाइम क्या, ये देखो ये पहनो तुम। अब कह तो दिया ठीक है, आपने ये डिसाइड किया मैं ये पहन, ये डिसेंट भी है, प्रोफेशनल लुक भी आएगी तुम्हारी, जरा अच्छी लगोगी तुम। अच्छा, हाँ जी, इसमें भी अच्छी ही लगोगी। बस ठीक है, दूसरी लड़ाई दाता था मैं। आ देखो जरा, एक बैग है, दूसरा मेकअप का बैग हाले खाली है, ये भर जाना सुबह तक। दो ते आ देख लो, पूरे 6 महीने वास्ते कितने जड़ा ना टूर ते जा रही है, ते एडा वड्डा बैग, एक आ बैग हैंड कैरी, सुबह तक 2-4 शापर भी नाल तैयार हो जाने हैं, ते हुण मैनूं दसो मेरा दिमाग खराब होना भी नहीं होना, मैं खोता हूं सारा समान चौके ले जाना, बदतमीज। मेरा कोई समान नहीं है मेरी। हां जी दसो हुण फिर। मेरी मामा ही नहीं है, मेरी मामा का सारा सामान है वो लेके जा रही है, और छोटे भाई का सामान है ये सारा, और आयशा इमरजेंसी में गई है, आयशा की आधे कपड़े की मैं कार्गो च लगा। सारा सामान जेड़ा मैं लोड करना। एक बैग आप पकड़ लेना, एक बैग मैं पकड़ूंगी, हैंड मैं सिर्फ अपना लैपटॉप बैग लेके जाना। नहीं ये वाला बैग आप बाकी खाता आप बना पी चुको। नहीं ये बड़ा वाला बैग आप देख लो, इधर से वजन भी मैं लगता कोई होना कोई 40 किलो, जिन्ना के सुखी दे समान जड़ा का ठूस दिता वा। मैंने आपके जो फैंस है ना उनसे बात करनी थी, प्लीज गाइस इस बंदे के फेस पे ना जाना, इनकी शक्ल अल्लाह ताला ने बड़ी इनोसेंट बनाई है, ओनली फेस। इनके साथ मैं रहती हूँ, मुझे बताइए क्या चीज। तुसी एक हफ्ता और कट लो फिर मैं दसूंगा तुहानू, कल्ला व्लॉग बनाऊंगा ये बारे च, दसूंगा कि एक ही वैरायटी है।
तो फ्रेंड्स आप लोग कहते हो कि डेली व्लॉगिंग करें, ये तो वीकली व्लॉगिंग नहीं करते, तो इतना टाइम नहीं मेरे पास। आप लोग कहते हो आपने इनसे जो है ना हर चीज सीखना है, आपने ये सीखना है वो सीखना है, तो फिर सिखाओ उनको। वो कहते हैं आपके बगैर जो है ना, तो मुझसे नहीं तुमसे सीखना है उन्होंने। मैं ऐसे कहता हूँ कि हर व्लॉग मेरे साथ नहीं बनाना तुमने, तुम भी उन्हें कुछ सिखाओ, कुछ कटिंग सिखाओ, कोई ट्राउजर कटिंग, कोई शर्ट कटिंग, कोई सिलाई, कोई देखा बोलने नहीं दे रही अब। अच्छा पहले मेरी बात सुनिए, तो आर्ट वर्क सिखाओ अपना, जो कार्ड बनाए थे उसका ट्यूटोरियल। मेरी सुनिए, मैंने लास्ट व्लॉग में मेहंदी लगाई, ठीक है, इन लोगों को सिर्फ वो पार्ट पसंद आया जिसमें आप लास्ट पे आए। सबने तो लास्ट पे मैं आके कह दिया करूंगा जी बहुत अच्छी मेहनत की इसने, तो बस तो फिर क्या हुआ करेगा, मेरे सारे भी लोग को वो स्किप कर देंगे, सिर्फ लास्ट देखेंगे। नहीं तो फिर लास्ट पे नहीं ना मेरा क्लिप तुम ऐड कर लिया करो, कभी आगे कभी पीछे कभी 4 मिनट बाद कभी, बस सस्पेंस रखा करो सबके लिए, देख लिया करो पूरा व्लॉग, बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। अच्छा जी तो अब फिलहाल तो आपको यही देखना पड़ेगा, मैं जरा लाहौर से हुआ हूँ, उसके बाद जो है मैंने पूरा एक स्केड्यूल रेडी करना है आप लोगों की हेल्प से कि किस दिन कौन सा व्लॉग पोस्ट करना है, और इनको तो देखना मैं अब कैसे व्लॉगिंग में लेके आती हूँ। इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैंने अपना काम देखना होता है। नहीं मिलनी, व्लॉग बनेगा तो खाना मिलेगा। चलो ठीक है, नहीं मिलेगी भी रोटी मुझसे पहले, भूख किसको लगती है, तो रोटी नहीं मिलेगी। हाँ तो खाओ, 7 सालों में अपना रिकॉर्ड तोड़ोगी तुम मेरे बगैर खाओगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को हमारी ये नोक झोंक और लड़ाई अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी। उन्होंने इसको भी बहुत इंजॉय करना है, क्योंकि मैं लड़ते हुए भी हंस रही होती हूँ। जिस दिन मैंने अपनी बातों को सीरियस लेना शुरू कर दिया, नहीं मस्त था तू, तेनू भी नहीं पता लड़ाई दे विच सीरियस होना कि नहीं होना। लेकिन हमारी लड़ाई अभी कंटिन्यू है, कल भी होनी है जाते वक्त भी, जाते हुए भी होनी है। तो ये एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए हमने बनाया, तो होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गाँव में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वैसे साड़ी सुबह भी लड़ाई होनी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।